यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूर्वोत्तर को लेकर प्रियंका चोपड़ा से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ रहा है। एक कैलेंडर में इस्तेमाल प्रियंका की फोटो को संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। दरअसल प्रियंका असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी फोटो के नीचे एक कैलेंडर लॉन्च किया गया था, लेकिन कैलेंडर पर कांग्रेस ने एतराज जताया है। असम में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस का कहना है कि कैलेंडर में प्रियंका ने काफ़ी छोटी ड्रेस पहनी हुई है जो हमारी सभ्यता को दर्शाती नहीं है। ऐसे में प्रियंका को एम्बेसडर पद से हटा देना चाहिए। इस मामले पर MLA नंदिता दास और MLA रूप ज्योति ने प्रियंका को हटाए जाने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उन्होंने कैलेंडर में एक फ्रॉक पहनी है जो कि असम के कल्चर के अगेंस्ट है। MLA रूप ज्योति ने कहा है कि सरकार को हमारी परंपरा और सभ्यता का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ असम में भी टैलेंटेड कलाकार हैं। ऐसे में प्रियंका को एम्बेसडर बनाने की क्या ज़रूरत है। गुवाहाटी में वीकली पेपर को दिए बयान में ATDC के चेयरमैन जयंत मला बरुआ का कहना है कि कैलेंडर असम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए बनाया गया है और इसे इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर और गणमान्य लोगों को भी भेजा जा चुका है।